हमारे यहाँ बचपन से लड़कियों को शादी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी उनको अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सिखाता, जबकि खुद मुख्तार लड़की अपने पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। So Amber, let's start from when you were a kid. I want to hear a little bit about that. आपके घर के किस तरह के हालात थे, क्या हो रहा था आप लोग की ज़िंदगी में? तो बेसिकली हम लोग तीन भाई बहन हैं और माय मदर शी यूज़ टू वर्क लाइक थ्री जॉब्स, ठीक है? एक वो कैंटीन लगाती थी स्कूल में जहाँ पर हम पढ़ते थे, एक वो घर के काम करती थी लोगों के, और दो जॉब्स के साथ फिर घर को मैनेज करना, इट वॉज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हर। तो हम एक बहुत छोटे से घर में रहते थे, लाइक हार्डली वो एक वन बेडरूम भी नहीं होता था, एक जो डेरिया बोलते हैं उससे वो घर था, और उसमें हम पांच लोग रहते थे। तो वो एक ही पूरा कमरा था, उसी में किचन भी था, वॉशरूम भी था? एक ही कमरा था, उसी में किचन, उसी में बाथरूम, और छोटी सी उसमें बैल्कनी होती थी। मतलब बेसिक जो इसेंशियल्स घर के होते थे, बेसिक जो फर्नीचर होता था, वो भी हमारे पास नहीं होता था, लाइक बेड हो गया, कबर्ड हो गया, हम ज़मीन पर सोते थे। आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेच्योर थी उन दोनों से। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि हम उस इन्वायरमेंट में रहते थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती थी, एंड आई वॉज टू यंग फॉर टू टेक एनी एक्शंस। फादर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता था। वो क्या कर रहे थे? वो रिक्शा ड्राइवर थे, लेकिन वो कहते थे कि इतना काम नहीं है, मैं इतना कमा नहीं सकता, और अगर वो कुछ भी पैसे देते थे तो ही यूज़ टू काउंट एवरी थिंग, और हर चीज़ में शक करना। मतलब उन्हें मेरी मदर का बाहर जाना पसंद नहीं होता था, जबकि आपकी अम्मी कमा के उसी घर के लिए एग्जैक्टली क्योंकि किसी ना किसी को तो बाहर जाके काम करना था, वरना घर कैसे सर्वाइव होता। और बच्चों की स्टडीज़, हम तीन भाई बहन थे, हम तीनों की स्टडीज़ इट वॉज़न्ट ईजी। फिर हमारे घर के रेंट्स होते थे जो 3000 होता था उस छोटे से घर का, फिर आपकी ग्रॉसरीज होती हैं, आपके यूटिलिटीज़ होते हैं, तो मतलब 10,000 तो आपको चाहिए इतनी छोटी सी फैमिली चलाने के लिए भी। तो वो कहाँ से पूरा करती थी? तो वो छोटी छोटी बीसियाँ डालती थी जो कमेटीज़ होती हैं एवरी डे के, लाइक 10 रुपये डाल दिए, 20 रुपये डाल दिए, और फिर किसी से उधार ले लिए कि मुझे दे दो, जब मेरी कमेटी खुलेगी तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो इस तरह टाइम वॉज गोइंग ऑन, लेकिन फाइनेंशियल हालात बहुत खराब, बहुत ख़राब थे, लाइक इतने ख़राब थे कि हमें ये नहीं पता होता था कि हम नेक्स्ट मंथ का रेंट कैसे पे करेंगे। हम जब उस एक जहाँ अपार्टमेंट था वहाँ हम रहते थे, तो एक बार जो लैंडलॉर्ड थी वो घर आई अपनी बेटी के साथ, और उस टाइम भी हमने 3 मंथ्स का रेंट पे नहीं किया था। मैं मदर वॉज लाइक मैं नेक्स्ट मंथ कर दूंगी, थोड़े दिन बाद कर दूंगी, थोड़े मेरे पास 1000 रुपये आप ये ले लें, ऐसे ही नहीं थे ना, तो कहाँ से हाँ, तो आप थोड़े थोड़े करके ले लें। लेकिन उन्होंने कहा 3 मंथ्स हो चुके हैं, आपकी एडवांस मेरे पास है 20,000, मैं इसमें से आपके पैसे काट रही हूँ, बाकी के आप पैसे लो और आप घर खाली करो। तो मैं मम्मी वॉज लाइक कि मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाऊँगी, मैं अकेली होती तो मैं अपने भाई के घर या किसी के घर भी चली जाती। एंड शी वॉज लाइक कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे पैसे ले लो, खुद भी जहर खाओ और बच्चों को भी जहर खिला के मर जाओ, अगर तुम एक 3,000 का रेंट पे नहीं कर सकती। एडवांस तो था ना उनके पास, वो रख सकते थे। Exactly. और ये जहर खाने वाली बात आपको कैसी लगी सुन के? मतलब आई वॉज लिटरली क्राइंग इनसाइड के कोई हमें ऐसे भी बोल रहा है, और ये सब इस वजह से हो रहा है कि हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है, या हमारे फादर इतने मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इतनी अच्छी एक लाइफ स्टाइल दे सकें कि हम एटलीस्ट वो बेसिक जॉब तो कर सकते थे। माई मदर शी वॉज़न्ट एजुकेटेड, आई डोंट नो क्या रीजंस होते थे, एंड ही यूज़ टू ड्रिंक। अब जब जो इंसान ड्रिंक करता है उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आई रिमेंबर देर वॉज वन टाइम कि वो ड्रिंक करके आए थे और माई मदर वॉज लाइक कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी आज। तो हमारा दरवाज़ा बहुत हल्का था, उन्होंने वो दरवाज़ा मतलब बहुत ज़ोर से खींचा और वो टूट गया दरवाज़ा, और बिल्कुल राइट नेक्स्ट पे था हमारा फ्रिज होता था, और फ्रिज की जो डी फ्रीज़र होता है उसमें उन्होंने बर्फ़ वाली पानी की बॉटल रखी हुई थी। वो बॉटल उठा के उन्होंने मेरी मदर पे फेंकी, मेरी मदर हट गई और मेरा भाई वहाँ बैठा हुआ था, मेरे भाई के सर पे जाके लगी वो, और वी जस्ट टुक हिम टू द हॉस्पिटल और उससे स्टिचेस आए। डॉक्टर ने कहा कि ये पुलिस केस है क्योंकि मैं ऐसे नहीं ट्रीट कर सकता। मैंने उस टाइम पुलिस बुलाई थी, आई कॉल्ड द पुलिस एंड आई सेड कि ही इज़ अब्यूसिव पर्सन और ये मारता है मेरी मदर को, इसने ही मेरे भाई को मारा है, एंड कब तक हम चुप रहेंगे, कभी ना कभी तो बोलना, ये तो हर बार मारते रहेंगे। उस दिन के बाद हमने कहा कि अब ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमने मेंटेनेंस टीम वालों को बोल दिया था कि अब इन्हें अंदर मत आने देना। उसके बाद भी उन्होंने बहुत ड्रामे किए कि मैं यहीं रहूँगा, आते थे हम उन्हें नहीं आने देते थे। विदाउट अ मैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यू नो हम एडवांटेज ले लें इनका। और तो जब मैं मैट्रिक में थी, मैंने कहा मैंने पोस्टर्स बनाए, बैनर्स बनाए, और मैंने अपनी ही बिल्डिंग के हर जो कॉर्नर्स होते थे वहाँ पर लिफ्ट के पास लगा दिए कि मैं आई एम अ ट्यूटर और मैं ट्यूशन क्लासेस दे सकती हूँ। जो एक छोटा सा घर होता था वो शाम में पूरा फुल हो जाता था, लाइक मेरे पास 15 से 16 बच्चे थे एंड आई यूज़ टू अर्न 8,000-9,000 उसमें से। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, रेंट निकल रहा है, स्कूल की फ़ीस चली जाएंगी।
और उस टाइम मैंने अपना मैट्रिक वगैरह सब कर लिया था. मैंने कहा अब मैं कुछ जॉब करती हूँ. फिर मैंने अपना CV बनाया, बहुत बेसिक सा. हमारे एरिया में स्कूल होता था किंडरगार्टन, मैंने वहाँ जाके अपना CV दिया. और साथ साथ ट्यूशंस भी चल रहे थे? चल रहे थे. ओके. और मुझे नर्सिंग का बहुत शौक होता था कि मुझे नर्सिंग करनी है. तो मैंने सब इन्फॉर्मेशन ले ली, सारे फॉर्म्स वगैरह मैंने अपनी फ्रेंड से कहे वो ले आई. और इंडस जो है वो कुरंगी पे हॉस्पिटल है, वहाँ से उसने कहा कि मैं करती हूँ. तो आई रिमेम्बर कि मैं और मेरी मदर, हमने रिक्शा किया था, हम दोनों अकेले मतलब गार्डन से कुरंगी तक हम गए थे. इट वाज लाइक 1-1.5 घंटे का रास्ता. हम वहाँ गए सुबह 6 बजे से, लाइन में खड़े रहे, एडमिशन फॉर्म लिया. एडमिशन फॉर्म वॉज फ्री. उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया उसी दिन और मेरे जो मार्क्स थे वो बहुत अच्छे आए थे. हम घर आ गए. फिर मैंने यही सोचा पूरे रास्ते कि अगर मैं 5 साल यहाँ बाउंड हो जाऊँगी तो मेरा घर कौन चलाएगा. और हमने उन्हें कॉल की इंडस हॉस्पिटल में. हमने कहा कि मैंने खुद कॉल की थी और मैंने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मैं मेरे पास इनफ फाइनेंस कोई सब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और मैं इतने 5 साल वहाँ स्पेंड नहीं कर सकती. तो उन्होंने कहा देखिए फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 5 साल तक कुछ भी पे नहीं करना होगा. लेकिन मैंने कहा बात तो वही है ना, पे नहीं करना होगा लेकिन घर कौन चलाएगा. मैंने कहा मुझे नहीं करना. और आपकी मम्मी ने उस वक्त क्या बोला? माय मम्मी वाज लाइक कि तुम मतलब तुम्हारा ड्रीम है. मैंने कहा ड्रीम होते रहेंगे और अभी हम इतने मतलब स्टेबल नहीं है कि मैं ड्रीम्स को पूरा करने निकलूँ. पहले मुझे स्टेबल होना है, उसके बाद फिर ड्रीम्स अगर होंगे तो होंगे पूरे. वन ऑफ माय कज़न ही यूज़ टू वर्क इन एन ऑफिस, तो उसने मुझे कहा कि तुम अपना CV ऑफिस में क्यों नहीं देती हो, मतलब ऑफिस जॉब में तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें ये 2-3 जॉब्स नहीं करनी पड़ेगी, इतनी ख्वारी नहीं उठानी पड़ेगी. तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑफिस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो उसने कहा तुम आ जाओ और तुम अपना CV दे दो. कॉल सेंटर था वो. ओके. इवनिंग में हमारे पास जॉब है और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हम आपको ऑपरेटर की जॉब दे देते. उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम सब देंगे. मैंने कहा ठीक है. उन्होंने मुझे 20,000 का जॉब ऑफर किया. मैंने कहा ठीक है 20,000, मुझे ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल भी नहीं पढ़ानी पड़ेगी. मैंने ऑफर लेटर साइन किया. मंडे से मेरी जॉइनिंग थी, एवरीथिंग वाज ओके. मैं ऑपरेटर की जॉब कर रही थी और मैंने कहा मतलब मैं नाइट में जॉब करती हूँ, क्यों ना मैं दिन वाली जॉब भी कंटिन्यू करूँ तो थोड़े से और पैसे मिल जाएंगे. तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तुम कैसे करोगी, तुम सोगी कब, क्योंकि नाइट एक रात की जो नींद होती है वो अलग ही होती है, तुम नहीं कर पाओगी. मैंने कहा मैं कर लूँगी. मैं रात में शाम में जाती थी, 6 बजे मुझे वैन पिक करती थी और सुबह 5 बजे ड्रॉप करती थी. जब 5 बजे आती थी ब्रेकफास्ट वगैरह करके 7 बजे स्कूल पहुँचना होता था बिकॉज़ आई वॉज़ अ टीचर. घर आती थी, खाना वाना खा के फिर मैं सोती थी 1-2 बजे तक और फिर वापस 5 बजे उठ जाती थी क्योंकि 6 बजे 4 घंटे की नींद पर जिंदा थी. एग्जैक्टली. और वहीं पर ऑफिस में बैठे बैठे मैं जॉब्स के लिए भी अप्लाई करती थी. अनदर कॉल सेंटर कॉल्ड मी, बहुत अच्छा कॉल सेंटर था, वहाँ से मुझे कॉल आई और वहाँ पर मुझे एज अ निगोशिएटर ही उन्होंने हायर किया. बट द पैकेज वॉज डबल, तो डबल पैकेज था. हमने कहा ठीक है लाइफ स्टाइल अच्छा हो सकता है. हम वहाँ से एक रूम वाले घर से निकले, हमने 1 बेडरूम का जो घर था वो लिया. थोड़ा थोड़ा बेसिक फर्नीचर हमने लेना स्टार्ट किया. मुझे याद पड़ता है कि आफ्टर 15 ईयर्स मैं जाके बेड पे सोई थी. और अपने पैसों से कमाई हुई चीज़ अगर आप कुछ लेते हो तो वो बहुत अच्छी होती है, इट गिव्स यू अ पीस. लेकिन अगेन लोगों की बातें, नाइट जॉब करती है, पता नहीं क्या करती होगी, कहाँ जाती है, अचानक से पैसे आ रहे, लाइफस्टाइल ऐसे कैसे चेंज हो गया. मैंने कहा मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी मम्मी मेरे साथ है, आई डोंट नीड एनीथिंग. दुनिया किसी को नहीं छोड़ती. 1 ईयर मैंने वहाँ जॉब की और मैंने कहा कि यहाँ पर इतना ही हो सकता है, इतनी मेरी कैपेसिटी है इस मार्केट में और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि मैं ग्रूम अप कर सकती हूँ या अपग्रेड कर सकती हूँ अपने आप को. मेरी कज़न जो थी, नॉट क्लोज कज़न, सेकंड कज़न मेरी, शी वाज इन दुबई. तो मैंने जस्ट उससे इन्फॉर्मेशन ली कि तुम कैसे गई थी. मैंने एक पुराना लैपटॉप लिया था 9,000 का. मैंने कहा इससे मैं जॉब सर्च करूँगी इसी पर. मैं उससे मैंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो रिक्रूटमेंट चैनल्स होते हैं. तो मैंने जो मतलब जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर अपने प्रोफाइल्स बनाए एंड आई गॉट अ कॉल. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन दुबई. उन्होंने मुझे कॉल किया. तो इन बिटवीन एक लड़का था जो मुझे देखने आया था. ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माय खालू. वो अपनी सिस्टर की शादी के लिए आया था एंड ही वाज माय खालू वाज पुशिंग हिम कि एक लड़की है तुम देख लो. तो ही वाज लाइक कि मैं अभी सेटल नहीं होना चाहता, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए बिकॉज आई वर्क ऑन अ क्रूज और क्रूज हर जगह जाते रहते हैं. तो आई एम नॉट सेटल ऑन द लैंड कि मैं किसी लड़की को अपने साथ रख सकूं. तो ही वाज लाइक नहीं तुम एक बार देख लो, एक बार मिल लो. तो ही सेड ओके तुम इतना बोल रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं देख लूँगा. एंड द गाय ही केम. तो ही वाज लाइक आई एम नॉट कम्फर्टेबल टेलिंग एनीथिंग क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ, आई नीड सम मोर टाइम. एंड देन ही लेफ्ट. जब वो चला गया एंड देन ही फाउंड मी ऑन फेसबुक. उसने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया एंड ही सेड सी यू आर अ वेरी नाइस गर्ल बट डोंट टेक इट पर्सनल, लेकिन आई एम नॉट रेडी फॉर एनी कमिटमेंट्स नाउ.
तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा और आई वॉन्ट यू टू कंटिन्यू वॉट यू आर डूइंग, तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुम यू डोंट थिंक अबाउट दिस, और ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करके चला गया हूँ. बस वो हो गया, वो चला गया. फिर इन बिटवीन उसी के बाद मुझे वहाँ से कन्फर्मेशन आई कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड वी वॉन्ट टू सेंड यू द ऑफर लेटर. ऑफर लेटर आया, सब आया. आई सेंड इट टू दैट गाय. मतलब मेरी उससे इतनी अच्छी बात हो गई थी जी, मैंने कहा कैन यू फाइंड इट आउट कि ये सब जेन्युइन है क्या है. Then his friend was in Dubai और उसने जाके सब देखा कि उनका ऑफिस एग्जिस्ट करता है, everything was fine. Then finally the time came जब मुझे दुबई जाना था एंड आई प्रोमिस टू माई मदर कि मैं 2 years में वापस आ जाऊँगी. मुझे एक अपना घर बनाना है यहाँ पर, एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाए, दोनों भाई बहन अच्छी स्कूल से पढ़ लें, कॉलेज से पढ़ लें, और फिर मैं पक्का प्रोमिस वापस आ जाऊँगी. Okay, मी सैड थी उस दिन बहुत. लाइक शी डिडंट वॉन्टेड मी टू गो, लेकिन मैंने उनसे उन्होंने कहा था ठीक है तुम करो, तुम्हें जो करना है. And I went there, मेरा नेक्स्ट डे से जॉब स्टार्ट था. मैं पैसे अपने रिलेटिव से लेके अपने साथ 3,000 dirhams जो कि 1 lakh होते हैं वो लेके गई थी कि वहाँ पर जब तक सैलरी आएगी तब तक मुझे 1 month सर्वाइव करना होगा. आई वेंट देयर, मेरी नेक्स्ट डे जॉब स्टार्ट हो गई. अच्छा, द इंटरेस्टिंग पार्ट, जब मैं वहाँ पर लैंड हुई तो आई डिडंट हैव एनी अकोमोडेशन टू लिव. सोचा भी नहीं था इस बारे में. मैं करके गई थी लेकिन मैंने सब अरेंज कर लिया था. जब मैं वहाँ पहुँची, it was 1 o'clock in the night, I was knocking the door and the lady, she came after 5 minutes and she was like, yes, what do you want? I said, I booked the apartment, like the bed space here. And she said, no, there is no bed space available. I said, no, I have the confirmation, I booked it. Aur usne kaha nahi, wo to chala gaya, wo bunker tha. Aur raat ke 2 baj rahe honge. 2 baj rahe the. Main niche gayi, mere paas itna sara luggage tha, haath mein meri files thi. Then I called my cousin, जो मेरी cousin थी, मैंने उससे call किया. उसने कहा कि हम अपने घर पर तो तुम्हें नहीं रख सकते because they were already like 4-5 girls in that apartment, allow नहीं होता ऐसे. She said कि मेरी एक और friend है जिसके पास already 4 वहाँ पर bunkers हैं and they are full, but what you can do, वहाँ का जो landlord है वो अच्छा है, तुम आज की रात किसी तरह सर्वाइव कर लो उसी घर में नीचे सो के, एंड देन नेक्स्ट डे वी विल फाइंड समथिंग फॉर यू. मैंने कहा ठीक है. मैंने जो दुपट्टा ओढ़ा था वही दुपट्टा मैंने बिछाया ज़मीन पर और मैं सो गई. आई वॉज, मैंने कहा मतलब मैं क्या सोच के आई थी और क्या हो रहा है, एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट, पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ. खैर मैं सो गई. नेक्स्ट डे वॉज फ्राइडे. सम हाउ दैट गाय ही मैसेज मी कि हे तुम दुबई आ गई. तो आई वॉज लाइक कि हाँ, आई जस्ट लैंडेड लास्ट नाइट. ही सर मेरा क्रूज अबू धाबी में है, इफ़ यू वॉन्ट वी कैन मीट. तो मैंने अपनी मम्मी से बताया, मैंने कहा ड्यू रिमेंबर दैट गाय जो मुझे देखने आया था. शी सर हाँ मुनीर राइट. तो मैंने कहा हाँ वो. तो मैंने कहा वो मुझे मिलने का बोल रहा है, मैं चली जाऊँ. तो उन्होंने कहा हाँ चली जाओ कोई बात नहीं. एंड देन ही केम, उसने मुझे सिम दिलवा के दी. देन आई स्पोक, आई कॉल्ड माई मदर, क्योंकि हमारी सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होती थी. आई कॉल्ड माई मदर कि मैं मुनीर के साथ हूँ, मैंने सिम वगैरह ले ली है, एवरीथिंग इज ओके. देन उन्होंने बेसिकली आपको हेल्प कर दिया, छोटी छोटी सेटलिंग की चीज़ें होती हैं उनमें. फिर ही हेल्प मी कि मुझे कहीं पर जो है वो बेड स्पेस मिल जाए. उन्होंने मुझे मेरा ऑफिस जाके दिखाया कि तुम्हारा ऑफिस यहाँ है, तुम्हें यहाँ से ये मेट्रो लेनी है, मेट्रो के बाद ये बस लेनी है. ही हेल्प मी इन एवरीथिंग. ही वॉज देयर फॉर 2 days और 2 days के बाद उनका क्रूज़ वापस चला जाना था. संडे से मेरी जॉब स्टार्ट होनी थी. आई वेंट टू माई जॉब, मुझे बेड स्पेस मिल गया था, एवरीथिंग वॉज ओके. जॉब पर मैं गई, उन्होंने वहाँ पर सर्टन कंपनीज में ये लॉ होता है कि दे टेक योर पासपोर्ट. दिस इज़ इलीगल बट दे स्टिल डू इट. दे टुक माई पासपोर्ट. I spoke to that guy. I told him, Munir, they took my passport, is it okay? He said, this is illegal, but some of the companies, they do it. So it's fine, don't worry about that. And then I was working there for a month. Ek month maine kaam kiya, aur after a certain time, you have to get your residence visa done. But the 1 month ka hi aapke paas time hota hai. It was 45 days already. Aur 45 days ho gaye the, mera visa nahi laga tha. Salary di thi in log ne? Nahi di thi. To salary bhi nahi thi, visa bhi nahi kiya tha? Nahi. 1 month ke baad overstay hona start ho jate ho. 1 day ka 100 dirhams fine hota hai. Which is like 3,000 Pakistani rupees. Aur khane peene ka kahan se paise aa rahe the? Jo main leke aayi thi apne saath 3,000, usi mein se survive kar rahi thi. Mere paas sirf 200 dirham reh gaye the us time. और क्योंकि वहाँ पे rent भी देना था, bed space पे रोज का खाना भी. बिल्कुल. तो मेरे पास सिर्फ 200 दरम रह गए थे. फिर मैंने उसे कॉल की, उस गाय को, लड़के को. मैंने कहा लिसन, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे सैलरी नहीं थी. उन्होंने कहा कि वाई यू डिडंट टोल मी बिफोर. एंड देन ही सेड कि तुम्हें 1 month और वेट करना होगा बिकॉज आई एम नॉट देयर. मुझे मेरा जो नेक्स्ट क्रूज़ है वो 1 month बाद आएगा. बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेंड यू सम मनी, तुम मुझे रिटर्न कर देना. ही सेंड मी 2,000. ही सेड तुम इसे सर्वाइव करो 1 month एंड देन आफ्टर 1 month जब मैं आऊँगा तो देखते हैं. ही केम और ही टुक मी टू द लेबर डिपार्टमेंट. हम दोनों गए वहाँ पर. हमने कहा कि मतलब ही वॉज फ्राम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ही सेड दिस इज़ हाउ यू नो इट हैपन विद दिस गर्ल एंड देव टुक द पासपोर्ट. दे हैवेंट पेड हर द सैलरी, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2.5 months. फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप केस कर दो उनके अगेंस्ट और वी विल कॉल द पार्टी एंड देन वी विल सेटल इट डाउन. उसमें एक हफ्ता लग गया
एंड दे रिटर्न मी द पासपोर्ट. उन्होंने जो पेनल्टी थी वो पे कर दी और उन्होंने सैलरी मुझे नहीं दी, बट आई सेड ओके आप पेनल्टी सिर्फ पे कर दें. लेकिन जब आपका वीज़ा रेजिडेंस वीज़ा ख़त्म होने वाला है, व्हेन दे आस्क यू टू लीव द कंट्री यू स्टिल हैव वन मंथ ग्रेस पीरियड टू स्टे. इफ़ यू वांट टू फाइंड अ जॉब यू कैन फाइंड. देन ही सेड यू शेयर योर सीवी विद मी एंड आई विल वर्क ऑन योर रिज्यूमे बिकॉज रिज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर फाइंडिंग अ जॉब. आपके फ्रेंड ने ये बोला, मुनीर. मुनीर, या यस. तो आई शेयर माई रिज्यूमे विद हिम. उन्होंने पूरा रिज्यूमे पे काम किया. ही प्रिपेयर्ड इट, ही सेंट इट टू मी. और फिर मैंने दोबारा से अपनी जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दी. एक जगह से मुझे कॉल आई एंड दैट पोजीशन वाज फॉर फ्लोर मैनेजर. बहुत अच्छी पोजीशन थी. दे कंडक्टेड माय इंटरव्यू, दे लाइक्ड मी एंड दे सेड ओके वी विल आस्क सीईओ टू टेक योर इंटरव्यू. इफ ही इज ओके विद दैट देन वी विल गो अहेड एंड सेंड यू द ऑफर. एंड दैट वाज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन. यू नो लाइफ में कुछ पार्ट्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं which is a game changing for you, which changed your entire life. That was a very, like, I would say lucky job for me. I got that job. I never expected ke coming from that background, ek bahut middle class family se belong karne ke baad, ek average, you know, person hone ke baad, mujhe itni achhi job mil sakti hai. The competition was very tough. And that was a very proud moment for me ke itne sare logo mein, I was the one who was hired. और मेरी जॉब चली, इट वाज ओके. बहुत अच्छी जॉब थी, सैलरी टाइम पे मिल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था. सैलरी बेटर थी प्रीवियस? डबल सैलरी थी. लाइक आई वाज गेटिंग 3000 और वहाँ पर मुझे 6 मिल रहे थे. एंड मुनीर माय फ्रेंड, ही गॉट अ जॉब एज वेल बिकॉज ही वाज नॉट इन दुबई, ही वाज ऑन क्रूज. सिंस ही वाज फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, ही गॉट अ जॉब इन होटल इन दुबई. ही गॉट द जॉब, ही ऑल्सो सेटल्ड इन दुबई. एंड देन आई टोल्ड माई मॉम, शी आस्क्ड मी के तुम मिलती हो मुनीर से, पीपल हैव सीन यू टुगेदर, तुम दोनों साथ, मतलब मेरी कजन्स वगैरह वहाँ थे, फ्रेंड्स थे जो फैमिली में बातें पहुँचा देते हैं. तो हम जमात खाने साथ जाते थे एंड पीपल यूज टू सी अस, मतलब विदाउट कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप. लेकिन दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी ना, ही हैड सपोर्टेड यू सो मच. हाँ, आई टोल्ड माई मदर के ज़रूरी तो नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में रह के ही आप किसी को हेल्प करो या सपोर्ट करो. आई एम फाइन विद दैट. बट शी वॉज लाइक, नई दुनिया है, दुनिया बातें करती है और नाउ दिस इज़ अ टाइम दैट यू शुड बी गेटिंग मैरिड. दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. और हमने कहा कि नाउ आई थिंक वी शुड, यू नो, जस्ट सेटल डाउन. एंड ही सेड, यू रिमेंबर the time when I came and saw you and I told you that I'm not ready for any commitment, like haan Allah ne jo hamare liye plan kiya tha wo acha tha, maybe that wasn't a right time, this is a right time. Hamari shaadi ho gayi, we went back to Dubai aur then I got another job jahan par main abhi bhi kaam karti hu as an operations manager, alhamdulillah. Aur after like a lot of hard work, I have achieved in the life whatever I wanted to. Or today my whole family, like my mother, my brother, they are with me in Dubai. मुझे हमेशा ऐसा होता था कि मैं इन्हें सेटल कर लूँ अपने साथ, ये मेरे साथ हों हर वक्त. And we live in a same house with my husband. And I should really appreciate this कि he don't have any objection. तुम करो. And I mean, आपकी वजह से पूरी, माशाल्लाह से आपकी पूरी फैमिली की एक लाइफ चेंज हो गई ना. कहाँ थे और अब कहाँ हैं. बिल्कुल. आज भी जब लोग देखते हैं, मतलब हमारे क्लोज जो रिलेटिव्स हैं, वो बोलते हैं कि like few days back my mom, she was talking to them and she said ke aapko yaad hai aapa अंबर हमारे उतरे हुए कपड़े पहनती थी, मतलब हम जो कपड़े पहनते थे जब हमारे पुराने हो जाते थे वो हम अंबर को देते थे. अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टाइम है जहाँ पर आई सपोर्ट पीपल एंड दैट वाज अगेन अचीविंग मोमेंट फॉर मी के कहाँ हम किसी से पैसे लेते थे अपनी स्टडीज़ के लिए एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैव ब्लेस्ड मी विद दैट कि मैं लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ एंड दैट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. या